नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में जातीय जनगणना को लेकर के लगातार अब आवाज उठाई जा रही है। विपक्षी पार्टियां जो है इसके साथ साथ कई राज्यों में सत्तासीन जो पार्टियां हैं वो एनडीए की सहयोगी ही सही, लेकिन सभी लोग जातीय जनगणना कराने को लेकर के अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि देश में जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। सदन में खुद इस बात की जानकारी दे दी गई है सरकार के तरफ से, और ऐसे में अब इसको लेकर के सभी तरफ विपक्ष हो इसके साथ और कई बीजेपी को छोड़कर के और कई पार्टियां जो होंगी वो इसका समर्थन कर रही है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कोशिशें की गई हैं लेकिन अब तक देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। सिर्फ दो जातियों को जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनको ही जनगणना की लिस्ट में या सवालों में उनको शामिल किया गया है और जनगणना उनकी होती है। लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ देश में जातीय जनगणना की आवाज जब बुलंद हुई तो बिहार में भी सियासत होने लगा और एनडीए गठबंधन में खास करके जेडीयू ने भी अब इसका विपक्ष के साथ मिलकर के पुरजोर समर्थन किया है। और जब यह आवाज बुलंद हुई तो विपक्ष के साथ जो सरकार में सम्मिलित पार्टियां हैं उनके सहयोग से बिहार विधानसभा में बिल पास हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी अब जब इस बातों पर सहमति नहीं बनी, केंद्र सरकार ने जब पहले ही इस बात को खारिज कर दिया कि देश में जातीय जनगणना कराएंगे, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बाकी अन्य जो दल हैं, सभी लोगों ने बैठ करके विचार किया। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिख करके मुख्यमंत्री से मिलने की बात की और मुलाकात भी हुई सबकी, और उसके बाद एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया उनसे मुलाकात करने के लिए, जातीय जनगणना पर बात करने के लिए। लेकिन अब उस पत्र को लेकर के जो बातें सामने आई है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जानकारी दी है, दरअसल राज्यपाल से वो मिलने गए थे और जब वो वापस आ रहे थे पत्रकारों के सवालों का जवाब उन्होंने दिया। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात कब होगी उनकी, तो उन्होंने कह दिया कि 23 तारीख को मुलाकात होगी और इसके लिए बजाबते अब निमंत्रण आ चुका है और वो जल्द ही जाने वाले हैं। इसके साथ एक अन्य सवाल के जवाब में जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जाएंगे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई अन्य पार्टियों के साथ साथ बीजेपी के नेता भी जाएंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी लिस्ट नहीं आया है कि कौन कौन जाएंगे, और अब पत्र पर सहमति आ गई है और साथ ही साथ जाने की तैयारी भी चल रही है, जिसके बाद ये देखना होगा कि क्या देश में या फिर बिहार में जातीय जनगणना कराई जाती है, इस पर सहमति बन पाती है, या फिर बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के जो आवाज बुलंद हुई है उसका असर क्या होगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा ये सुनिए। अंतिम रूप से हो गया वो अगले बुधवार 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय हो गया और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था उसमें मिलने के इच्छुक जो एक समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए थे। और फिर बीजेपी के भी लोग अभी नाम तय कर रहे हैं, वो दे देंगे, तो सब लोग जाकर के वहाँ पर मिलेंगे, वो अंतिम रूप से फिर भेज देंगे, तो ये तय हो गया मिलने का। आज राजभवन आए थे सर, कुछ खास यहाँ आपकी बात होती है? कभी कभी कोई वक्त होता है तो कुछ दिन के बाद आपको यहाँ से नोटिफिकेशन हो जाएगा। वो जो बात होती है ना, कंसल्टेशन होता है, बातचीत होती है, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना वाइस चांसलर वगैरह का, वाइस चांसलर का उसमें विचार विमर्श कर, तो वही विचार विमर्श के लिए बुलाया गया। आरजेडी में बड़ा आपस में खटास पैदा हो गया है, बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है भाइयों के। पार्टी का इंटरनल क्या है वो उनका इशू है, उसमें हमको कभी कोई इन सब विषयों पर हम न ध्यान देते हैं न कोई प्रतिक्रिया। जगदान सिंह इतने पुराने नेता हैं, उनको तो पार्टी के अंदर कोई ऐसी के बारे में बोलता है तो उनके अंदर की बात है, उसमें हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। ठीक सर, तेजस्वी जी भी जाएंगे आपके साथ पीएमसी मीटिंग करने? तेजस्वी जी भी जाएंगे आपके साथ? हाँ, जितने विपक्ष नेता हैं तो है ही, तो बीजेपी जानते नहीं हो, तो वही लोग ना मिले थे सबसे पहले, हाउस चल रहा था तो उन्हीं लोगों ने सजेस्ट किया था ना तेजस्वी जी के साथ, और उनके पूरे जो अपोजिशन के सभी लीडर्स थे सब लोग मिले थे और उन लोगों ने ये बात हमने कहा कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, प्रस्ताव मिलना चाहिए और अन्य पार्टी के लोगों से भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं तो इसको भेजेंगे, और वही उसके बाद भेज दिए थे हम लोग। ये तो हुआ ही, जाना ही है, सूचना भी दे दिया चुकी है।
सबको जानकारी दे दी गई कि जो खबर आई है, तो कल देर रात में करीब करीब सूचना आई थी अंतिम, तो उसके बाद सबनों को सूचना दे दी गई। बीजेपी के लोग भी रहेंगे सर? हाँ, कौन कौन लोग सब जा रहे? कुछ बिल्कुल आज भी बात हुई है, तो अभी नाम देने वाले हैं।